ही बिल्कुल, इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण क्यों और क्यों ये कहना? मैं यहाँ उपस्थित उन सभी युवा भाइयों से आग्रह करूंगी कि वह इस धर्म कथा को समझे कि आज केवल भक्ति की आवश्यकता नहीं है, आज समाज में भक्ति के साथ साथ शक्ति की आवश्यकता है। और शक्ति कैसे हमें मिलेगी? जब हम आपस में संगठित होंगे, क्योंकि भक्ति गुना संगठन बराबर शक्ति होता है। और आज हम क्या कर रहे हैं? केवल भगवान की भक्ति कर रहे हैं। लेकिन यदि हम केवल भक्त बन करके रह जाएंगे तो फिर हमारे धर्म की रक्षा नहीं हो पाएगी। हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी। धर्म की रक्षा करनी है। आज हमारे इस सनातन धर्म ने अनेक प्रकार के विरोधियों का आतंकाई मचा हुआ है। यदि हम केवल भक्त बने रहे तो कल्याण नहीं होगा। हमें अपने धर्म को बचाने के लिए संगठित होकर के शक्तिशाली बनना होगा। जब हम अपने धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म रक्षितः रक्षितः, जब हम अपने धर्म की रक्षा करेंगे ना, तो धर्म हमारी रक्षा करेगी। अच्छा, आप सभी से एक आग्रह है। आप सभी के दृष्टि में सबसे बड़े भक्त कौन होते हैं? प्रत्येक दिन जो मंदिर में जाकर पूजन करते हैं वो भक्त होते हैं क्या? या जो भगवान के नाम पर करोड़ों खर्च कर लेते हैं, ऐसे भक्त होते हैं? तो सबसे बड़े भक्त कौन होते हैं? बात 47 की है, 1947, 15 अगस्त, जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था, चारों ओर आजादी का महोत्सव मनाया जा रहा था। लोग खुशियाली मना कुछ सनातनी विरोधियों
और अपने अपने घरों में जी रहे हैं। लेकिन कोई ना कोई देश भक्त तो होते ही है, ये भी संत के प्रचारक रहे। जब उन्होंने देखा कि सनातन विरोधी हमारे प्रभु के ऊपर, हमारे भारत मान के ऊपर अब सब कुछ कर रहे हैं, उनसे सहन नहीं होता। लेकिन अकेले में कुछ कर नहीं सकते, इसलिए वो अपना साइकिल निकालते हैं और वहां से आगे 2 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटी सी बस्ती थी जिसमें गरीब समाज, गरीब परिवार रहता था, जो किसी प्रकार काम करके अपना जीविका चलाता था। वो कभी जीवन में मंदिर भी गए हैं कि नहीं ये पता नहीं, कभी भगवान के पूजन किए नहीं या नहीं कोई पता नहीं। लेकिन जब संघ के प्रचारक वहां जाकर के कहते हैं कि भाई आज हम सबको इकट्ठा होना है और जो जुलूस आ रहा है उसका प्रतिकार करना है, 10 मिनट के अंदर उस बस्ती के सभी लोग एकत्रित हो जाते हैं। सारी माताएं, छोटे छोटे बच्चे भी, कोई घंटा कोई लाठी लेकर के उस जुलूस का बहिष्कार करने के लिए